गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास फिफ्थ के लिए, और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम जो कि डिवीजन पे बेस्ड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 18.25 रुपीस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेन। तो हमारे पास जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ मिक्सड है, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, इसमें डिवीजन भी है, इसमें अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सबसे पहला है इसमें है कि हमारे पास जो एक पेन है उसकी कीमत है 18.25 रुपीस, तो ऐसे ही 15 और पेनों की कीमत कितनी होगी। तो जब भी आपको याद रखिए कि आपको एक की कीमत दी है, आपको किसी एक की वैल्यू दी है और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको कम की चीज़ दी हो, कम की वैल्यू दी हो और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़्यादा की वैल्यू दी हो, कम निकालना हो, तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 18.25 रुपीज़, यानी कि एक पेन की कीमत जो है वो है 18.25 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 15 पेन विल बी इक्वल टू 18.25 इंटू 15। तो 18.25 में हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 18.25 इंटू 15। ये चीज़ आपके फेयर वर्क में आएगी, आपके सॉल्यूशन पार्ट में आएगी, सो इसको आपको अलग से कहीं और नहीं करना है, ये आपको सॉल्यूशन में ही दिखाना है आपका मल्टीप्लिकेशन। सो 18.25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, पहले 5 से करा तो हमारा आया 5, 2, 1 और 9। नेक्स्ट जो हम नंबर 1 से करेंगे तो हम यहाँ पे इसके नीचे एक जगह छोड़ देंगे ब्लैंक, हम इसके जस्ट नीचे नहीं करेंगे, एक डिजिट आगे करते हैं। तो हमने इसके यहाँ पे क्रॉस लगा दी यहाँ पे, उसके बाद इसका आया था 5, 2, 8 और 1। ये जो वैल्यूज आ गई इनको हमने आपस में ऐड कर दिया, तो हमारा आया 27375। अब आप देखिए यहाँ पे कि दो के बाद पॉइंट था 18.25 में, तो यहाँ पीछे से दो पॉइंट, हमने यहाँ पे पीछे से दो पॉइंट हमने लगा दिए, तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 273.75 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट ऑफ 15 पेन, जो 15 पेनों की जो कॉस्ट होगी वो होगी 273.75 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन है। आप ध्यान रखिए कि आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर वर्ड प्रॉब्लम बिना स्टेटमेंट के करते हैं तो आपको उसके नंबर कम हो जाएंगे, आपको उसके नंबर कट जाएंगे, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट है इसके सॉल्यूशन का। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 8.408, इफ वन ऑफ देम इज 0.8, फाइंड 0.8 डेसिमल। यानी कि दो डेसिमल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 8.408। अब अगर उनमें से हमको एक वैल्यू दे दी है 0.8, तो बाकी की वैल्यूज हमको, दूसरी वैल्यू हमको निकालनी। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट जो दिया हमको डेसिमल का वो दिया है 8.408। अब जो पहला नंबर है तो अब हमारे पास एक नंबर था, देखिए हमको प्रोडक्ट दिया था तो हमारे पास इतना था,
अब उनको दूसरा नंबर निकालना है, तो हम इस नंबर को और इस नंबर को आपस में हम जो है हम इनका डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड नंबर जो हम निकालेंगे, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8.408 डिवाइडेड बाई 0.8। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब आपको मैंने बताया था पहले भी कि हम इसको जो हमारे पास जो डिवाइज़र होता है इसको हम फ्रैक्शन से हटा, इसको हम डेसिमल से हटा के हम इसको इंटीजर में करेंगे, तो हम इस पूरे नंबर में हम इनटू 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम 10 से करेंगे। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 84.08 डिवाइडेड बाई 8। यानी अब हम जो है इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने 8 टाइम्स 80 करा, बचा हमारे पास 4। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 8 × 5 = 40, यहाँ हो गया हमारा 0, और यहाँ से आएगा 8, 8 × 1 = 8। तो हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। अब ध्यान रखिए आप कि ये आपका जो डिवीजन है ये भी आपका फेयर वर्क में आएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आया है 10.51। यानी कि जो हमारा जो सेकंड नंबर है जो कि हमको चाहिए था यहाँ पे, जो दोनों प्रोडक्ट में जो नंबर था, एक नंबर तो था 0.8 यानी 0.8 और दूसरा नंबर है 10.51। सो ये आपका स्टेटमेंट है सॉल्यूशन का और ये आपका फाइनल आंसर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 18.50 एंड दैट ऑफ अ पेन इज 7.50। निशी बॉट 4 बुक्स एंड 2 पेन्स, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन ईच आइटम। यानी कि एक किताब की कीमत है 18.5 रुपीज़ और पेन की है 7.5 रुपीज़। निशी ने 4 किताबें खरीदी और 2 पेन खरीदी, तो बताइए कि उसने कितना पैसा खर्च किया। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम करेंगे कि बुक्स की कॉस्ट निकालेंगे, 4 बुक्स की और 2 पेन्स की कॉस्ट निकालेंगे और उनको आपस में हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल्स टू है 18.50 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स कितना हो जाएगा आपका 18.50 तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55.50 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो है कि कॉस्ट ऑफ वन बुक जो थी वो 18.50 थी, सो कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स हो जाएगी 18.50 × 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अलग से, सो इसका आंसर आएगा 55.50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो है 7.50 रुपीज़,
सो कॉस्ट ऑफ टू पेंस हो जाएगी 15 रुपीज़, यानी कि 7.50 × 2। अब टोटल मनी कितना खर्च हुआ यहाँ पे आप देखिए कि 7.5 रुपये यहाँ पे हुआ, सॉरी 55 रुपये यहाँ पे बने, 55.50 रुपीज़ यहाँ बने और 15 रुपये पेन के बने। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 55.50 + 15, सो हमारा आंसर आएगा 70.50 रुपीज़, यानी कि टोटल अमाउंट जो हमने खर्च किया है वो है 70.50 रुपीज़। तो ये स्टेटमेंट है और उसका ये आंसर है, ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स लगानी है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।